फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो जेई मेन और नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं राइट right? एंड उसी क्रैश कोर्स का आज डे नंबर थर्टी थ्री हैप्पी कि हमारे जितने भी मेन मेन चैप्टर्स थे सब हो चुके हैं वी आर जस्ट लेफ्टी मोर चैप्टर एंड विल बी डन विद्लीट सिलेबस फॉर जेई मेन एंड नीट मैं ही अगर बातें करती जाऊंगी और बिना ये देखे कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं तो फिर बाद में मतलब वो हो जाएगा ना कि मैम ने देखा ही नहीं तो देख yes, बढ़िया चल रहा है, है सब कुछ ट्वेंटी फोर्थ फेब जिनका आया है वो लकीस्ट है ऐसा क्यों मतलब पहले पता चल गया की ट्वेंटी फोर्थ फेब को पेपर इजी से ईजी आने वाला है ऐसा है क्या कुछ हाँ हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था चलो

ग्रेट ट्वेल्थ केमिस्ट्री का आई थिंक थर्ड लास्ट चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स वो कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है ये तो हो गया आज के सेशन के बारे में अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तुम्हारी टीचर के बारे में माय नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ आईआईटी रुड़की जब मैं टेंथ में थी और जब मैं ट्वेल्थ में थी दोनों ही साल आई वाज सीबीएसई स्टेट टॉपर आई वाज आल्सो अवार्डेड विद केवी पीवाई फेलोशिप जब मैं ग्रेट ट्वेल्थ में थी एंड लास्ट सेवन ईयर से आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है मैंने पढ़ाया है इंडिया में पढ़ाया है गल्फ में भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है सो so, आज मैं अपने इसी एक्सपीरियंस को यूज करूंगी और तुम सारे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली हूँ इस चैप्टर के बारे में ठीक है अच्छा आ, दो तीन और क्वेश्चन हैं ठीक है थीके? दो तीन और क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आते हैं क्लास के बिगिनिंग में मैं पहले ही आंसर कर देती हूँ एंड आई विल नॉट टेक अप दीज थिंग्स अगैन एंड अगैन इन द मिडल ऑफ द चैप्टर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ये कि मैम आज आपकी क्लास का टाइम चेंज क्यों हो गया ये बहुत सारे बच्चों ने मेरे से चैट्स में क्वेश्चन पूछा एक्चुअली आज जो इवनिंग वाली क्लास थी उसको मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट किया था मॉर्निंग वाली क्लास आज आज अभी इवनिंग में हो रही है सो इसीलिए यह क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया जस्ट फॉर सम रीजन मैंने क्लास को इवनिंग में शिफ्ट किया क्वेश्चन नंबर टू मैम कल की क्लास का टाइम क्या है सो so, कल हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स पॉलीमर्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे फ्री में चार नंबर का क्वेश्चन आएगा जो बच्चे माइनस वन या जीरो लाते हैं पता नहीं वो क्यों ऐसे करते हैं इसमें आराम से प्लस फोर नंबर मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं ठीक है इस चैप्टर को कल हम करेंगे कल भी क्लास का टाइम थोड़ा सा जल्दी है द क्लास विल बी एट इलेवन ए एम इलेवन टू ट्वेल्व थर्टी हम क्लास लेंगे नॉट एट वन पी ठीक है तो ये थोड़े से चेंजेस हैं एक बार मार्क कर लेना ओ दैट इज़ वाई आई से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन होता है उसको दबा देना ताकि जब भी मैं क्लास लूँ एटलीस्ट यू पीपल शुड गेट नोटिफिकेशन फॉर द सेम ठीक है नाउ एक थर्ड क्वेश्चन मैम हम आपके ना जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं वो सारे फॉलो करते हैं बाय द वे जिन बच्चों को नहीं पता स्पेशल क्लासेस क्या हैं अगर तुम्हारे फ़ोन में अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोडेड है तो वहां पर मैं हर रोज उस प्लेटफॉर्म पर मैं हर रोज़ एक स्पेशल क्लास लेती हूँ हमने आज ही एक स्पेशल क्लास ली जहाँ मैंने पूरी ग्रेड ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री क्विकली रिवाइज करी कल हमने एक क्लास ली थी जहाँ पर ग्रेड इलेवंथ की फुल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करी थी तो अगर कोई भी बच्चा जिसने वो स्पेशल क्लास नहीं देखी है मेक श्योर यू हैव टू वॉच दैट स्पेशल क्लास डेढ़ से दो घंटे में तुम्हें ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि मैम रिविजन मतलब बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज हो गई ठीक है जिसका मन करे वो स्पेशल क्लास देख सकता है ठीक है तुम मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो टू अटेंड ऑल क्लासेस क्रैश कोर्स यहाँ पर कर रहे हो इसके साथ साथ यू पीपल इंटरेस्टेड मैं दोबारा बोलती हूँ इस ऑप्शन में इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस थिंग ये पेड क्लासेस हैं अन अकेडमी के प्लस क्लासेस बोलते हैं हम इनको ठीक है इसके लिए यू हैव टू बाय अ सब्सक्रिप्शन अब इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा मतलब तुम्हारा एम क्या है आई यू प्रिपेयरिंग टू गेट गुड मार्क्स इन सी बी एस क्लास इलेवन और यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट गुड मार्क्स इन सी बी एस ट्वेल्व और यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट अ गुड रैंक इन नीट, इट इज टोटली अप टू यू टू डिसाइड कौन सा खरीदना है ठीक है जो बच्चे जेई के साथ साथ सी में मचाना चाहते हैं दे कैन डेफिनेटली गो फॉर अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इवन दैट इज पॉसिबल एक और चीज बताती हूँ बहुत बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैम हम दो साल के पैसे एकदम से भर दें पैसे अड़ गए तो है ना वी वॉन्ट टू फर्स्ट गेट अ ट्रायल बेसिस तो अगर ट्रायल के लिए तुम्हें देखना है यू कैन गो फॉर वन मंथ सब्सक्रिप्शन यू कैन गो फॉर थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन और अगर इनमें भी पैसे स्पेंड नहीं करने यू कैन डेफिनेटली अटेंड द स्पेशल क्लासेस तुम्हें आराम से आइडिया लग जाएगा कि प्लस की क्लासेस कैसे होती है ठीक है उसके बाद तुम एक साल का लो दो साल का लो इट इज टोटली अप टू यू आई विल टेल यू वन थिंग ये कोड यूज कर लेना मेरी साइड से मैं तुम्हारी ये सहायता कर सकती हूँ इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड यू विल बी गेटिंग टेन परसेंट डायरेक्ट डिस्काउंट चाहे तुम एक महीने का लो उसका भी टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तीन महीने का एक साल का दो साल का जो भी तुम लोगे उस पर आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा अगर यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड बट एक मैं यहाँ पर वो सिम्बल एस्ट्रिक वाला बता देती हूँ अगर फेब में सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर मार्च में खरीदोगे तो डिस्काउंट विल जस्ट भी फाइव परसेंट ये थोड़ी सी चेंजेस ऑल्टरेशन हुए हैं सो आई थॉट यू कि मैं पहले से ही तुम्हें बता देती हूँ ओ माय गुडनेस आज पहली बार इस चीज़ के मैम कितने टाइम का होगा आज की क्लास होगी लगभग डेढ़ घंटे की सात बजे स्टार्ट किया तो एट थर्टी तक पूरा चैप्टर हो जाएगा फॉर श्योर ठीक है Do you guys know about this new feature on Khan Academy's learning app where you can ask your doubt? बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये पूछते थे कि मैम हम स्पेशल क्लास अटेंड करते हैं है ना बट एट टाइम्स क्या होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं और हमारा कोई डाउट स्किप हो जाता है ठीक है सो यू कैन नाउ आस्क द डाउट टू एनी ऑफ द टीचर एक फीचर आया है यहाँ पर वहाँ पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें जिस भी चाहे तुम सी बी एस ई इलेवेंथ ट्वेल्थ जे या नीट जो भी तुम्हारे पास है ठीक है उसके अंदर यू कैन सिंपली दिस दिस फीचर यू कैन सी यू कैन आस्क योर डाउट और उतनी ही जल्दी जैसे ही तुमने फोटो खींची डाउट की अपलोड करी वैसे ही टीचर की तरफ से तुम्हारा डाउट आंसर हो जाएगा सो ट्राई आउट दिस न्यू फीचर मेरे से भी डाउट्स पूछ सकते हो ठीक है यू कैन ट्राई आउट दिस न्यू फीचर एंड वी पीपल विल डेफिनेटली ट्राई अ बेस्ट कि तुम्हारे माइंड में जितने भी ठूस ठूस के डाउट्स भरे हुए हैं जो जनरली तुम पूछने में आना कहानी करते हो अब आना कहानी करने की जरूरत नहीं है यू कैन सिंपली आस ऑल योर डाउट्स टू द टीचर्स ठीक है दिस इज अ न्यू एंड अ वेरी गुड फीचर यू कैन ट्राई आउट दिस वन आई मीन इट इट इज गुड ठीक है सली बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई वॉन्ट मोर एस वी आइटम्स टू बी कनेक्टेड टू आर फैमिली सो मेक श्योर इफ यू आर स्टिल नॉट एन एस वी आइटम यू हैव टू बी वन ओके सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल राइट अवे बिकॉज इस चैनल पर तुम्हारी मैम बहुत मेहनत कर करके कंटेंट ला रही है सो आई वॉन्ट एवरी एस वी आइटम टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ योर टीचर ओके चलो ओके बुरा मत मानना कि मैंने एकदम ऑर्डर दे दिया चलो एंड बाय द द वे दिस इज आई एम फॉलोइंग सो यू कैन गो थ्रू द एवरीथिंग हैज बीन बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग से हम सारी चीजें कर रहे हैं लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स एंड यू नो योर टीचर आई एम सो स्टबर्न जब तक तुम हार्ट के साथ रेडी नहीं भेजोगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगी सो आई वांट सम लव इन द एयर फॉर केमिस्ट्री भाई केमिस्ट्री से प्यार तो करना ही पड़ेगा ना नहीं तो इतने आई डोंट वॉन्ट टू यूज सम बैड वर्ड फॉर द चैप्टर क्योंकि एक बार मैंने ये चैप्टर अपने चैनल पर पढ़ाया था तो बच्चों ने ना ऐसे अगेंस्ट चले गए थे उस वीडियो के नीचे जाके देखोगे तो लिखा हुआ है मैम चैप्टर चैप्टर इज इज नॉट नॉट बोरिंग बैड इसीलिए अब मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया भाई साहब मैं किसी चैप्टर को बोरिंग नहीं बोलूंगी ठीक है बट इतने प्यारे से मुश्किल चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए ठीक है टीचर की भी हिम्मत होनी चाहिए समझा रही हूँ तुम्हें इतना प्यारा सा चैप्टर सो मेक श्योर मुझे रेडी विथ सम हार्ट्स मिल जाए

कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं एक डेफिनेशन है जो तुम्हारी टीचर्स कहती है रट लो वो डेफिनेशन मैं तुम्हें समझाती हूँ और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पॉली का मतलब मैनी हाइड्रोक्सी का मतलब ओ एच ग्रुप एल्डिहाइड का मतलब एक एल्डिहाइड होना चाहिए मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एल्डिहाइड है और बहुत सारे ओ एच ग्रुप है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं या मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक कीटोन है और बहुत सारे ओएच OH ग्रुप है तो उसको भी मैं एक कार्बोहाइड्रेट बोल सकती हूँ ठीक है मगर मगर इंपॉर्टेंट बात यह है विच ऑन हाइड्रोलिस कार्बन एटम उनको बोलते हैं हाइड्रोकार इनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है या तो वो खुद से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए ठीक है अगर वो नहीं है तो जब तुम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो प्रोडक्ट है उनमें से एटलीस्ट एक प्रोडक्ट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए और उनमें एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कायरल uh, कार्बन हो ठीक है जो अनसिमेट्रिक कार्बन हो समझ आ गया इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं अब मैं ये वर्ड कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करूंगी आई विल बी यूजिंग द वर्ड सेकेराइड सेकेराइड का मतलब क्या होता है वैसे ये कौन सी भाषा है लेटिन में इसको शुगर बोलते हैं ठीक है ड्यू टू द स्वीट टेस्ट ऑफ सिंपल मेंबर्स शुगर जिनको शुगर भी बोलते हैं ये एक बेसिक सी चीज थी मतलब कॉमन नेम हो गया सेकेराइड अब से हम कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली सेकेराइड की फॉर्म में स्टडी करेंगे ठीक है अब हमारे पास तीन टाइप के सेकेराइड होते हैं एक होते हैं मोनो एक होते हैं ऑलिगोसेकेराइड एक होते हैं पॉली सबको सब एक एक करके ध्यान से समझते हैं घबराना नहीं है

स्टक हो गए हो क्या दिक्कत है आराम से पूछ लिया करो ये चीजें ठीक है चलो आगे देखो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू देखो हैंकेराइट वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं उनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करना पॉसिबल नहीं है उनको हम बोल देते हैं मोनोसेकेराइट बात खत्म कि भाई वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते ठीक है आगे देखो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड सबके एग्जाम्पल दूंगी आगे होते हैं हमारे ऑलिगोसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड क्या होते हैं दीज ऑन हाइड्रोलिस गिव टू टू नाइन मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड मतलब जिनकी फर्दर हाइड्रोलिस नहीं हो सकती है ऑलिगोसेकेराइड मतलब जिनकी हाइड्रोलिस करने पे मोनो डाई ट्राई मतलब ये जिनकी हाइड्रोलिस होने पे या तो दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे या तीन मोनोसेकेराइड मिलेंगे या चार मोनोसेकेराइड मिलेंगे मतलब नाइन मोनोसेकेराइड तक मिल सकते हैं वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं और इनको फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं डाई सेकेराइड का मतलब जिसको तोड़ने से दो मोनोसेकेराइट हमारे मिलेंगे ये डाई की कहानी आज हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स देख लो एक होता है सुक्रोज एक होता है माल्टोज एक होता है लेकटोज एंड सोन मैं आप बड़ी सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगी जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूल है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन यू नीड टू नो द फॉर्मुला ऑफ सुक्रोस एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन जब इसकी एसिड डाल के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे को मिलता है ग्लूकोज और हमारे को मिलता है फ्रक्टोज दो डिफरेंट मोनोसेकेराइड मिलते हैं इसीलिए मैं सुक्रोज को बोल सकती हूँ डाय क्योंकि ये डाय है दैट मीन्स इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑलिगोसेकेराइड आई होप ये चीज क्लियर हो गई सब में ठीक है मूविंग फर्दर ये क्या है थोड़ी देर बाद बताती हूँ अभी आगे चलते हैं एक होते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड का मतलब जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं इनका एग्जाम्पल देख लो जैसे स्टार्च हो 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 गया हो गया हो गया 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 ग्लाइकोजन ठीक है पेक्टिन इनमें से जो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं धीरे धीरे आगे इनकी डिटेल्स पढ़ाती जाऊंगी यहाँ तक चीज सही समझ आ गई नाउ मूविंग फर्दर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं अभी सिखाती हूँ आई विल टीच यू वट टाइप ऑफ क्वेश्चन डू वी गेट मैम आइकॉनिक का बचा नहीं आयनिक का बचा हुआ ले लो ना यूट्यूब पर अन अकेडमी का उस दिन का नहीं मिल रहा है स्पेशल क्लास का हाई मैंने आयनिक पूरी पढ़ाई थी यार सेम टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ा रही मैं पूरा पढ़ाया मैंने पूरा अभिषेक ही सिंह अभी तक टाइम पूरा वेस्ट कर दिया है मैंने पर मैं गिव अप नहीं करना चाहता और समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार अभिषेक तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री के लिए तो आराम से एक चीज गाइड कर सकती हूँ ठीक है आगे तीन दिन है तुम्हारे पास कोशिश करो कि तीन दिन में तुमने अगर केमिस्ट्री पूरी निपटानी है तुम कर सकते हो जो मैंने फोर्टी फाइव डेज के क्रैश कोर्स में करा दिया ना मैं मतलब दावे के साथ ये बोल सकती हूँ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं ये बोल रही हूँ जो मैंने फोर्टी फाइव डेज क्रैश कोर्स में कराया अगर तुम लोग उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो भाई साहब जेई में तुम मचा दोगे जेई का पेपर केमिस्ट्री का इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू बट जो मैंने पढ़ाया है क्रैश कोर्स में उसको तसल्ली से करो अच्छे से थियरी प्लस एम सीक्यूज इट इज वेरी 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 गुड थिंग ठीक है मतलब प्रॉपर अच्छी चीज पढ़ा रही हूँ कुछ टाइम पास तुम्हारे साथ मैंने नहीं किया सो मेक श्योर इस फोर्टी को फॉलो करो और कोई बुक तुम रेफर करो ना करो लास्ट मोमेंट पे इट इज ओके फॉर केमिस्ट्री आई एम सेइंग ठीक है अच्छा हम टॉपिक पे आ जाते हैं स्टार्च क्या होता है स्टार्च अभी मैंने बताया था इट्स अ पॉलीसेकेराइड इसके अंदर बड़े सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं ध्यान से यहां से मेन मेन चीजें स्टार्च हो रही है ध्यान से देखो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ किस किस से म, बन, म, मिल के बना है अल्फा ग्लूकोस एंड मेजर फूड रिजर्व इन प्लांट्स व्हिच टर्न्स ब्लू विद आयोडीन तुमने देखा होगा अगर स्टार्च में आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लूइश कलर का हो जाता है दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टार्च इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट स्टार्च किससे मिलकर बना है स्टार्च बना है अल्फा ग्लूकोज से मिल मिल मिलकर समझ आई बात आगे देखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कॉम्पोनेंट स्टार्च के अंदर दो कॉम्पोनेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से देखते जाओ एक होता है अमाइलोस एक होता है अमाइलोपेक्टिन अमाइलोस छोटा वर्ड है तो तुम तुक्का मार सकते हो कि ये सिर्फ ट्वेंटी परसेंट है अमाइलोपेक्टिन अपने आप में बड़ा वर्ड है तो इसका तुक्का मार लो कि मेजर क्वांटिटी एट्टी परसेंट में है अमाइलोस क्या होता है इट इज पॉलीमर विच इज वॉटर अमाइलोस छोटा है मतलब उसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है और पानी सोल्यूबलोक्टिन पॉलिमर वॉटर इन सोल्यूबल अमाइलोपेक्टिन क्या है एक तो वॉटर इनसोल्यूबल और इसमें खूब सारी ब्रांचिंग हो रखी है इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में इसलिए समझाया बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे देखो लेट एस कंटिन्यू फर्दर मैं तुम्हें अमाइलोज एज वेल एज अमाइलोपेक्टिन दोनों का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ दोनों की थियोरी समझा रही हूँ पक्का से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में तो जरा आंखें कान खोल के रखो ठीक है अमाइलोस इज वॉटर सोल्यूबल अभी अभी मैंने बताया ये ट्वेंटी परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टार्च का ये पानी में आराम से सोल्यूबल है एंड इट इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सोल्यूशन यही रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देने में

मार्क कर लो ये तुम्हारे लास्ट के नोट्स में जरूर होना चाहिए इट कंसिस्ट ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज इन विच सी वन ऑफ वन ग्लूकोज इज अटैच टू सी फोर ऑफ अनदर ग्लूकोज आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये सी वन सी फोर एल्फा बी कुछ समझ नहीं आएगा आई टोटली अंडरस्टैंड कि मुझे पहले बताना चाहिए था सी वन सी टू सी फोर क्या होता है बट क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं तो पहले ये टॉपिक आया फिर मैं आगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दूंगी इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ पांच मिनट के लिए ये याद रख लो इट इज मेड अप ऑफ सी वन ऑफ एल्फा डी ग्लूकोस प्लस सी फोर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोस सिर्फ इतना याद रख लो ये सी वन सी फोर एल्फा का मतलब क्या है ये थोड़ी देर में मैं समझा दूंगी आई विल डेफिनेटली टीच यू दिस थिंग मेरे से गलती होगी पहले मुझे ग्लूकोज पढ़ाना चाहिए था बट ठीक है अब इसी कंटिन्यूटी में कर लेते हैं ठीक है या, या, ये याद रख सकते हो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट देखो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है विकीपीडिया से मैंने बस अमाइलोपेक्टिन के बारे में एक चीज लिया ध्यान से देख लो अमाइलोपेक्टिन इज वाटर अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो थोड़ा सा वाटर इनसॉल्यूबल होता है ठीक है आगे देखो इट इज अ पॉलीसेकेराइड एंड हाईली ब्रांच पॉलीमर अमाइलोपेक्टिन में बहुत ज्यादा uh, क्या कहते हैं ब्रांचिंग होती है गिव मी वन सेकेंड ठीक है अमाइलोपेक्टिन जो है यहाँ पे वाटर सोल्यूबल है यहाँ वाटर इन कर लेना और हाइली ब्रांच है अमाइलोपेक्टिन किससे मिलकर बना है इट इज आल्सो मेड फॉर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज यूनिट इट इज फाउंड इन प्लांट्स ठीक है ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड इन ईदर वे देखो ध्यान से देखो सी वन सी फोर लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया एंड यहाँ पर C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है आहा मेरे को ना तुम्हें क्वेश्चन अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेरे को क्वेश्चन अभी नहीं कराना चाहिए क्योंकि मेरे से ही गलती हो गई मुझे पहले ग्लूकोस पढ़ाना चाहिए था बट आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट चेंज द स्लाइड्स नाउ ये मैं दोबारा भी बता दूंगी C1 C4 अल्फा C1 C1 C6 अल्फा मतलब

तो बुरा मत मानो मैं पहले ग्लूकोज के बारे में बता देती हूँ फिर पिछली स्लाइड्स पे चल लेंगे ठीक है ग्लूकोज क्या होता है ये तुमने बहुत बार सुन रखा है ग्लूकोज जो हम खाते भी हैं वही ग्लूकोज की मैं बात कर रही हूँ इसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इट इज ऑल्सो इन ब्लड तो इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं इट इज फाउंड इन कॉर्न इट इज़ फाउंड इन शुगर इट इज ग्रेप शुगर ये सारे ग्लूकोज के फॉर्म है ठीक है ग्लूकोज हमारा होता है इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोस शुगर इट इज डेक्स्ट्रोस शुगर इंपॉर्टेंट चीज देख लो क्या बताऊ मैं ये जो स्टार्च होता है ना स्टार्च हमने स्टार्च लिया स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर दो पानी डाल दो तो स्टार्च पहले टूटता है डेक्स्ट्रॉन में ये याद रखने की जरूरत नहीं है फिर ये टूटता है माल्टोज में चलो ये भी याद मत रखो स्टार्च डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में इतना याद रख सकते हो कि ग्लूकोज ये ठीक है आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं सपोज इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का एक पायरनोज स्ट्रक्चर होता है मतलब उसकी एक रिंग लाइट स्ट्रक्चर होती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बेसिस पे क्वेश्चन आता है ये जो मैं अल्फा बीटा अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी ये यहीं से समझ आ जाएगा ध्यान से देखो ध्यान से देखते जाओ एक हमारी टर्म होती है एनोमर्स ध्यान से देखो आगे बताती हूँ ये फिगर दिख रही है सबको कैन यू सी दिस फिगर फिगर ये दिख रही है ना सबको ध्यान से देखो देखो मैम ये फेस्टिवल क्या है ये यूट्यूब फेस्टिवल क्या है देखो आज मैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ मैं नहीं सारे टीचर्स करा रहे हैं सो दिस वी कॉल इट एज अ अव फेस्टिवल है ना कि यूट्यूब पे मैक्सिमम जितना पढ़ा सकते हैं आज हम पढ़ाते हैं देखो बड़े ध्यान से देखो ठीक है यहाँ से अब चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी और जो पिछली वाली स्लाइड में मैंने बुरे कर्म करे थे पहले बताकर अब वो बुरे कर्म का मतलब मैं वो बुरे कर्म धो दूंगी देखो बुरे पाप हट जाएंगे ध्यान से देखो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं इसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एक ऊपर होता है सी एच ओ ग्रुप ठीक है फिर ऐसे हम एक लाइन सी बनाते हैं ऐसे लाइने 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 बनाते हैं यहाँ पे नीचे होता है सी एच टू ओ एच ग्रुप ये भी ठीक है ऊपर सी एच ओ नीचे सी एच टू एच अब क्या करोगे ओ एच ओ एच एच ओ एच दिस इज वन ऑफ द तरीका टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो जिन बच्चों को नहीं लिखना आता मैं सिखा देती हूँ पहले बनाओगे सी एच ओ नीचे लिखोगे सी एच टू ओ एच बना दिया अब ऐसे चार लाइनें डाल दो यहाँ लिखो ओ एच ओ एच एच ओ एच फिर इनके सामने लिख दो एच इसके सामने एच इसके सामने ओ OH, एच इसके सामने एच सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ठीक है ये तो इसका सिंपल चेन वाला स्ट्रक्चर हो गया मूविंग फर्दर टू एन इंपॉर्टेंट थिंग बड़े ध्यान से देखो ग्लूकोस अपने आप में जो लीनियर फॉर्म था उसका काफी स्टेबल होता है बट अगर तुम यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 ये जो फिफ्थ कार्बन एटम है ना उसके ऊपर का जो OH है वो जाकर के CHO पर अटैक करता है क्या ये बात समझ आई देखना CHO कुछ ऐसा था ना हमने कल परसों सीखा था कि एल्कोहल का ओ एच न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इस कार्बन पर जाएगा ये ऊपर आ जाएगा है ना ये हमने किया था तो मतलब इस कार्बन पर एक ओ एच ग्रुप आ जाएगा अब होता क्या है जब ये अटैक होता है तो या तो हमारा ओ एच ग्रुप लेफ्ट पे आ जाता है या हमारा ओ एच ग्रुप राइट पे आ सकता है मतलब लीनियर जब स्ट्रक्चर था तो कोई दिक, दिक्कत नहीं थी बट जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया तो इस पर्टिकुलर कार्बन की कॉन्फिग्रेशन क्या हो गई चेंज हो गई यहाँ पर राइट में है जबकि पर लेफ्ट में है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हर जगह से सेम है बट सिर्फ एक कार्बन सेंटर पे उनकी कॉन्फिग्रेशन अलग अलग है ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं एनोमर्स क्या बोलते हैं एनोमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देखना

इस वाले कार्बन की कॉन्फिगरेशन दोनों जगह अलग अलग होगी ऐसे इस कार्बन को क्या बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन ये बात समझ आ गई आगे देखो अब ध्यान से देखो अगर हमारा ओ एच राइट साइड पर आया तो हम इसको बोलते हैं एल्फा ग्लूकोज तुम सोच लोगे मैम डी का मतलब देखना जब सेकेंड लास्ट कार्बन से तुमने स्टार्ट किया अगर सेकेंड लास्ट कार्बन का ओ ग्रुप राइट साइड पर उसको बोलते हैं कैपिटल डी एल्फा डी ग्लूकोज

ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो पायरैन रिंग से सिमिलर होता है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज सिमिलर टू अ पायरैन रिंग इसीलिए ग्लूकोज को हम पायरेनोज भी बोलते हैं देखो लिखना सिखाती हूँ क्या करो पहले ऐसा सा डब्बा ड्रॉ कर लो कर लिया ये बहुत बच्चों को ना लिखने में बड़ी कंफ्यूजन होती है तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ डब्बा ड्रॉ कर लिया ये ओ यहाँ पे अब जो बड़ा ग्रुप है उसको ऊपर लिखो छोटे ग्रुप को नीचे क्या लिखा सी एच टू ओ एच और ये एच अब बड़े ग्रुप को नीचे लिखो छोटे ग्रुप को ऊपर ये ओ एच अब फिर से बड़े ग्रुप को ऊपर लिखो छोटे ग्रुप 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 को 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 नीचे नीचे ओ एच एच अब फिर बड़े लिखो छोटे ऊपर ऊपर जैसे उपर, पहले बड़ा ऊपर फिर बड़ा, बड़ा फिर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर बड़ा नीचे तो अब यहाँ पर आ जाएगा ओ एच और यहाँ एच ध्यान देने की बात अब लिखो ओ एच को नीचे बड़े ग्रुप को नीचे अगर दोनों सेम ओ एच ग्रुप तुम्हें सेम साइड पे दिखते हैं So pyranose. Pyranose का मतलब हमने इसको फिर ओ एच को नीचे फिर ओ OH एच को ऊपर फिर ओ OH एच को नीचे मगर अब यहाँ पर ओ OH एच को ऊपर तो जब दोनों ओ OH एच नीचे नीचे थे तो ये क्या था एल्फा जब एक ओ OH एच नीचे एक ओ OH एच ऊपर तो ये क्या है बीटा इसको याद रखने का तुक्का मारने का तुम्हें जो तरीका चाहिए भाई तुम तरीका ले लो पेपर में यार डिराइव मत करके देखना बड़े सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको ना ये वाला स्ट्रक्चर याद रहता है फिर कहते हैं हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाएंगे को 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 नीचे हो नीचे हो नीचे हो नीचे इससे साइक्लिक करने बैठे तो हो गया काम ठीक है सो ग्लूकोज का, so, का साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दिमाग में एकदम फटाक से आ जाना चाहिए करके दिखा दू वापिस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरान रिंग की फॉर्म में कैसे ड्रॉ करना है पहले ऐसे 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 बना लो ध्यान से देखो अब यहां लिखो एच नीचे अब बड़ा ग्रुप नीचे एच ऊपर बड़ा ग्रुप ऊपर एच नीचे बड़ा ग्रुप नीचे एच ऊपर बड़ा ग्रुप नीचे एच ऊपर तो जब दोनों बड़े ग्रुप सेम साइड पे हैं इसको बोल दो एल्फा अगर यहाँ पर मैं उल्टा कर देती दैट मीनस दैट वुड बी बीटा ग्लूकोज समझ आ गया क्लियर है सबको पक्का अब ध्यान से देखो ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन तो मैंने क्या बोला था अमाइलोज में क्या होता है एल्फा ग्लूकोस का C1 कार्बन एल्फा दूसरे एल्फा ग्लूकोस के C4 कार्बन से कनेक्टेड होता है मतलब ये जो वन कार्बन वाला है वो दूसरे के फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड होगा है ना और ये जो लिंकेज बनती है ये कैसे लिंकेज बनेगी यहाँ पर ओ OH है यहां पर भी ओ OH है तो पानी निकाल दो C1 और C4 को जोड़ने वाली जो लिंकेज होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो C1 और C4 को जो जोड़ेगी उस लिंकेज को क्या कहते हैं ग्लाइको एस आई डी आई सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ आ गया अब आई थिंक वो कहानी तुम्हें समझ आ गई होगी लेट अस कम ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड जो मेरे पास थी कि ये मैंने सी वन सी फोर एल्फा ग्लाइकोसिडिक सी वन सी सिक्स एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या लिखा था अब ठीक है अब तो बुरा नहीं मान बोल रहे हो मैम के लिए कि मैम ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया क्यों पढ़ा दिया अब करा रहे हो इन मैरेथन अनंत ये जो मैरेथन सेशन पैलली इस चैनल पर चल रहे हैं वो मैं बता देती हूँ उनका रीजन क्या है अः uh, मैंने यहाँ पर क्रैश कोर्स कराया है ना डेढ़ डेढ़ घंटे में कराया बट मैंने पहले मतलब बट कई बच्चों को ना डेढ़ घंटे वाला क्रैश कोर्स में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उनके क्लियर नहीं होते हैं उनको और डिटेल में करने होते हैं तो अब वो और डिटेल में टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ मैराथन मैं करा रही हूँ इस चैनल पर ताकि भाई किसी को छोटे वाला क्रैश कोर्स चाहिए तो वो डेढ़ घंटे में हो जाएगा अगर उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मैराथन सेशन में हो जाएगा तो मैराथन सेशन उन बच्चों को डेफिनेटली अटेंड करने चाहिए जिनको उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ठीक है आंसर डी बहुत सारे बच्चों का डी आंसर आ रहा है लेट अस चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट अमाइलोपेक्टिन सबसे पहले अमाइलोपेक्टिन किसकाज uh, से तो ये तो बीटा कह रहा है आंसर हो ही नहीं सकता बीटा कह रहा है आंसर हो ही नहीं सकता तो ये है एल्फा डी ग्लूकोज सी वन सी फोर है और सी टू में तो होता ही नहीं है सी वन सी सिक्स है तो डी इज द करेक्ट आंसर इस तरीके से सोचोगे समझ आया आगे करो ठीक है अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है इनसे आता है, है? तभी बता cellulose क्या होता इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर के लिए जो पॉलीसेकेराइड रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलोस ध्यान से देखो इट इज इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स ऑफ सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स सेल्यूलोज खाकर ही जीते हैं राइट right? अब देखना इट इज अ पॉलीमर ऑफ मेरे लिए काम की बात सेल्यूलोज में आता है डी बीटा ग्लूकोज या फिर तुम सोच सकते हो बीटा डी ग्लूकोज स्टार्च किससे बना था अल्फा डी ग्लूकोज से सेल्यूलोज किससे बना है बीटा डी ग्लूकोज ये बात दिमाग में बिठा लो अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये तुम रीड कर सकते हो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है स्टार्च बना था एल्फा डी ग्लूकोज से बना है बीटा डी ग्लूकोज से मूविंग फर्दर बहुत 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 इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लिख कर दे सकती हूँ <coughs> बहुत बार पेपर में आता है ग्लाइकोजन इज नियरली ऑल एनिमल सेल्स हम जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है एंड इट लिवर एक बार जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ग्लाइकोजन कहां पर होता है इट इज मेनली फाउंड इन द लिवर्स इट इज अ रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स एंड इज ऑफन नोन एज एनिमल स्टार्च इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लाइकोजन जैसे को प्लांट्स का स्टार्च कहते हैं है ना ऐसे ही ग्लाइकोजन को एनिमल का स्टार्च बोलते हैं ध्यान से देखो ग्लाइकोजन इज अ अट पाउडर यू नीड टू नो इट इज व्हाइट पाउडर यू नीड टू नो इट इज सोल्यूबल इन वॉटर ठीक है ऑन हाइड्रोलिस इट गिवस एल्फा डी ग्लाइकोजन में भी डी ग्लूकोज एल्फा डी ग्लूकोज होता है बट ग्लाइकोजन हैज अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन अमाइलोपेक्टिन में बहुत सारी ब्रांचेस थी ग्लाइकोजन में उससे भी ज्यादा ब्रांचिंग होती है एक्सेप्ट दैट इट हैज इवन मोर क्रॉस लिंकिंग जैसे अमाइलो C1, C4, C1, C6 branching थी ना ग्लाइकोजन में उससे भी ज्यादा होती है याद रखोगे इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट करो अरे वाह वाह। भाई का एक और क्वेश्चन है करके दिखाओ लेट मी नो वट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ए बी सी डी यार ये बायो वालों को ना इनके बारे में सारी डिटेल्स पता होती है मतलब मुझे इन मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री तो पता है ठीक है अब यार मैं आ, ट्रू टीचर की तरह बता देती हूँ मेरी बायोलॉजी मैंने कभी बायो पढ़ी नहीं है ठीक है जितना केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम बायो के चैप्टर्स आए थे वो मैंने पढ़े ठीक है तो मुझे इनका बहुत ज़्यादा बायो वाली चीज़ें नहीं पतियाँ पता नहीं मुझे ठीक है बट अगर केमिस्ट्री पूछोगे तो मैं वो सारी बता सकती हूँ एंड जेई वाले ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते कि जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ठीक है जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी बायो आनी चाहिए ठीक है uh, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वहां पर केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आराम से होगा जिससे तुम सॉल्व कर लोगे ए और सी में कन्फ्यूजन हो रही है लेटर सी ए या सी में बच्चों को कन्फ्यूजन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पहले तो आंखें खोल लो इनकरेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ा करो करेक्ट मत पढ़ लिया करो अबाउट ग्लाइकोजन इट इज चेन पॉलीमर सिमिलर टू मैंने पहले ही बोला था ग्लाइकोजन में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है जबकि अमाइलोस तो पॉलीमर होता है स्ट्रेट चेन में है ना जहाँ पर सी वन सी फोर एल्फा ग्लाइकोसेटिक लिंकेज होते हैं तो यही गलत ही स्टेटमेंट है ओनली एल्फा लिंकेज इज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ये बात ठीक है इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल सही बात है

आर एग्जाम स्टार्ट इन स्टार्टिंग ऑफ मार्च प्लीज कंप्लीट द सलेबस यार पीयूष कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आर यू टॉकिंग अबाउट योर स्कूल एग्जाम्स तो मार्च तक तो ये क्रैश कोर्स आराम से खत्म हो जाएगा मार्च तक तो मैं मार्च से तो मैं वो करा दूंगी नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा ग्रेड इलेवेंथ और ट्वेल्थ का ये शुभ सिन्हा क्या कह रहे हैं मैम आप क्लास में कम बात करो प्लीज़ अभी एंड गेम है सो प्लीज़ पढ़ाइए प्लीज़ नहीं यार आई टोटली डू नॉट अग्री विथ दिस थिंग देखो मैं एक पढ़ाकू लड़की नहीं रही हूँ ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करने से हमारा दिमाग पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता सो अ सेशन है ना जहां पर तुम बहुत सारी चीजें पढ़ते हो वहाँ पर थोड़ी बहुत बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती है तभी तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और तुम पढ़ाई कर सकते हो आई बिलीव इन दिस थियोरी मैं इसी टाइप की हूँ ठीक है तो मैं अगर आऊ चुपचाप बाकी टीचर्स की तरह टिक 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 पढ़ा के मैं चली जाऊँ डेढ़ घंटा आई कैन नॉट डू दैट यार थोड़ा सा टॉलरेट करो मैम की बातें आंसर आया किसी का बी बी बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे

ऊपर लगाओ सी एच ओ नीचे लगाओ सी एच टू ओ एच फिर लगाओ ओ एच ओ एच एच ओ एच यहाँ लगा दो एच यहाँ लगा दो ओ एच OH, यहाँ लगा दो एच यहाँ लगा दो एच ठीक है ना? कितने स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है एक तो ये स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल कार्बन जिसपे चार अलग अलग ग्रुप होने चाहिए एक दो एक तीन एक चार तो चार तो होंगे पहले वाले में तो या ए अभी या आंसर होगा जिन्होंने सी डी लिखा था वो तो वैसे ही गलत है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना ग्लूकोज का ध्यान से देखो कुछ ऐसा सा होएगा अल्फा या बीटा कोई भी बना दो सी एच टू ओ एच एच फिर बड़ा ग्रुप नीचे छोटा ग्रुप ऊपर फिर बड़ा ग्रुप ऊपर छोटा नीचे फिर बड़ा नीचे फिर एक और बड़ा नीचे देखना ये इस पे चारों अलग ग्रुप है इस पे चारों अलग ग्रुप है तीन चार अब तो इस वाले पे भी चारों अलग ग्रुप है तो देर आर फाइव सच कार्बन जिसपे चारों के चारों अलग ग्रुप है so so our answer answer will will be four and five respectively. So a will be and respectively A the correct answer for this ठीक है समझ आ गया करके देखना था ये क्वेश्चन GOC की एक स्पेशल क्लास ले लू ओके okay. will be taking a special class for GOC isomer stereo isomerism की तो लेनी है वो मुझे याद है तुमने पहले से ही बोल रखा है uh, GOC के और डिटेल्स करने हैं तो भी मैं ले सकती हूँ ठीक है I will take नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्रक्टोज फ्रक्टोज को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं बिकॉज लास्ट ईयर तुम देखोगे ट्वेंटी एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी में फ्रक्टोज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं सो so, मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो स्किप नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए पढ़ा तो देती हूँ बट बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे तो देखो फ्रक्टोज क्या होता है इसका फॉर्मूला बिल्कुल ग्लूकोज के सिमिलर होता है सी सिक्स एच टिक्स बट ग्लूकोज एक एल्डोहेक्स था फ्रक्टोज एक कीटोहेक्स है मतलब फ्रक्टोज के अंदर एक कीटोनिक ग्रुप होता है ध्यान से देखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रो हाइड्रोलिसिस ऑफ याद है मैंने कहा था इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड है तो इस पॉलीसेकेराइड को तुम हाइड्रोलाइज करते हो तो तुम्हें मिलता है फ्रक्टोज ये पता होना चाहिए आगे देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं फ्रक्टोज की शक्ल क्या होती है फ्रक्टोज में हम बनाते हैं इधर सेकेंड कार्बन पे कीटोन है तो सेकेंड मतलब फर्स्ट पे तो हो नहीं सकता लास्ट पे तो हो नहीं सकता तो सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पर इसके ऊपर वाले कार्बन पे CH2OH बड़े ध्यान से देखो फिर यहाँ पर C C C और नीचे CH2OH ठीक है जैसे पहले किया था OH OH H तो वही का वही लगा दो OH OH H यहाँ पर लगा दिया अब ध्यान से देखो इस कीटोनिक ग्रुप पे तुम्हें अटैक कराना है ये जो लास्ट कार्बन है इसका अटैक कराओ अटैक होगा यहां से अब या तो ओ OH एच राइट पे आ सकता है या ओ OH एच और एच टू एच ग्रुप है ही है देखो तो अगर OH लेफ्ट पे आया तो इसको बोलते हैं बीटा एल्फा बीटा OH तो है फ्रक्टोज क्या ये बात क्लियर हो गई ठीक है सेम मैकेनिज्म सेम से मैंने तुम्हें करना सिखाया बट जो पायरेनोज या स्ट्रक्चर है वो याद होना चाहिए सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को लिखना मैं वापस सिखा देती हूँ जिनको कंफ्यूजन है पहले लिख लो सी एच टू एच यहाँ लिख लो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ लिख लो सी एच टू एच तीन कार्बन हो गए तीन और बनाने हैं तो तीन लाइन बना दो लिखो ओ एच ओ एच एच तो यहाँ लिख दो ओ एच 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 फिर यहाँ से अटैक होगा और ये इस पर अटैक होगा ओ एच OH राइट पे आए तो एल्फा ओ OH एच लेफ्ट पे आए तो बीटा अब इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरैन रिंग की तरह होता है फ्यूरैन इज अ फाइव मेंबर रिंग उसके सिमिलर होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूर फ्रक्टोज का फ्यूर रिंग के साथ स्ट्रक्चर इज नोन एज पर भी करना देख लो ध्यान से देखो सबसे पहले ऊपर लिखो सी एच टू ओ एच बड़ा ग्रुप ऊपर बड़ा ग्रुप नीचे बड़ा ग्रुप ऊपर बड़ा ग्रुप नीचे बस जैसे ग्लूकोज में क्या था ना बड़ा ऊपर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर बड़ा नीचे तो दिस इज एल्फा फ्रक्टोज बड़ा ऊपर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर बड़ा ऊपर इसको बोल देते हैं एल्फा डी फ्रक्टो दिस इज मैंने क्या कर दिया एक मिनट बड़ा ऊपर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर हाँ बड़ा ऊपर आई एम सो सॉरी वहां पर भी ग्लूकोस में भी क्या था ना जहां दो बड़े ग्रुप एक साथ होते हैं दैट इज एल्फा सो दिस इज एल्फा बड़ा ऊपर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर बड़ा नीचे दो बड़े ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए सो दिस इज बीटा ये स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका है तुम्हें ये तरीका नहीं पसंद है तुम बिल्कुल इस तरीके को फॉलो मत करो तुम्हें जो तरीका पसंद है टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट थिंग मतलब मैं अभी तक मुझे यही वाला मतलब तरीका बड़ा अच्छा लगता है बड़ा ग्रुप ऊपर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर बड़ा ऊपर तो जहाँ दो बड़े ऊपर आ गए मैं उसको अल्फा कह देती हूँ बड़ा ऊपर बड़ा नीचे बड़ा ऊपर बड़ा नीचे दो बड़े ग्रुप ऑपोजिट आ गए तो मैं उसको बीटा फ्रक्टोज बोल देती हूँ ठीक है ये श्रद्धा भावना है जिसको जो पसंद है वो वैसे तरीके से याद कर सकता है मतलब हो सकता है तुम्हें पूरा हंड्रेड परसेंट ना समझ आए ठीक है शायद तुमने अगर पहले कभी नहीं पढ़ रखा बट मैं ये बोलूंगी कि अगर तुमने एक बार ये लेक्चर अटेंड कर लिया एटलीस्ट यू विल गेट सम आइडिया कितने बड़े चैप्टर में से कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें करके जाने हैं इतना पढ़ लोगे तुम्हारे पास टॉपिक्स तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे अब अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू अगर ये मेरा लेक्चर नहीं अटेंड किया डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हो फिर तुम्हें लगेगा इस चैप्टर में इतना कुछ रट्टे मारने वाला है समझ ही नहीं आ रहा सो यू विल गेट कन्फ्यूज तो अब तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है ठीक है तो मैंने तुम्हें क्लियर पिक्चर बता दी ग्लाइकोसिटिक लिंकेज क्या होता है यह भी मैंने तुम्हें बता दिया है अब सुक्रोज की बात करते हैं ये माल्टोज माल्टोस तीन स्लाइड जो आने वाली हैं इनमें से तीन जे के क्वेश्चन बन के आएंगे फॉर लेटस फर्स्ट टॉक अबाउट सुक्रोज जिसका फॉर्मुला है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन जब शुरू में ये मैंने सुक्रोज गैलेक्ट लेक्टोस माल्टोज के बारे में बोला था तो कहा था इनकी डिटेल पढ़ाऊंगी सो लेटस कम टू द डिटेल्स ध्यान से सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है अगर किसी शुगर मॉलिक्यूल में ठीक है CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट पोजीशन पे CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो ध्यान से देख लो ग्लूकोज के आई मीन ठीक है फर्स्ट अभी बताती हूं क्या होता है ये भी बता देती हूं चलो डिटेल में इट हैज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन सी वन ऑफ एल्फा ग्लूकोज एंड सी टू ऑफ बीटा फ्रक्टोज याद करना जरूरी है पहले हमें लेना है एल्फा ग्लूकोज और दूसरा हम लेंगे बीटा फ्रक्टोज आई थिंक एल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने सिखा दिया बीटा फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर सिखा दिया इसका सी वन ले लो इसका सी टू कार्बन ले लो ठीक है सी वन इसका ले लो सी टू इसका ले लो इन दोनों के अंदर से पानी निकाल दो अब जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं <coughs> uh, ये इसका फर्स्ट कार्बन नीचे यहाँ पर ओ था ठीक है यह हमारा बीटा डी फ्रक्टोज है ये इसका फर्स्ट OH कार्बन ये, ये इसका सेकेंड कार्बन जहां नीचे ओ OH एच था राइट इन दोनों में से एक पानी निकाल दो एच टू ओ निकला तो एक सिंपल ओ वाला बॉन्ड बन गया इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ये है C1 वन ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज प्लस सी टू ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज इसके फर्स्ट कार्बन पे अब ओ OH एच तो बचा ही नहीं है आई I मीन mean इसका फर्स्ट कार्बन फ्री है ही नहीं तो अगर इस इसका मतलब एल्डोज शुगर का ठीक है ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन बचा ही नहीं है सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ठीक है इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज अपने आप में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है लाइट को राइट में रोटेट करता है बट इंपॉर्टेंट चीज है बट जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसको पानी के साथ डिजोल्व करते हैं वो पूरा का पूरा लीवो रोटेटरी कन्वर्ट हो जाता है इनवर्जन हो जाती है शुगर की क्यों सुक्रोज पानी में जाने के बाद एक तो टूटता है फ्रक्टोज में एक टूटता है ग्लूकोज में ग्लूकोज होता है 52.5 डिग्री डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज होता है माइनस मतलब लीवो रोटेटरी अब लीवो का एंगल ज्यादा है ना तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा वो लीवो इसीलिए सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो इनवर्जन हो जाती है दैट इज व्हाई सुक्रोज इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर याद रखोगे आगे देखो लो इसी खुशी में जेई मेन 2019 का क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से लेट्स डू वन क्वेश्चन फॉर जेई मेन 2019 कैन वी मेक सुक्रोज फ्रॉम अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज दो फ्रक्टोज यूनिट को यूज करके तुम सुक्रोज नहीं बना सकते सुक्रोज हैज टू हैव हाँ अ ग्लूकोज एंड अ फ्रक्टोज यूनिट ठीक है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज मैम फिजिक्स मैथ्स में 80 प्लस आ रहे बट केमिस्ट्री में 30 प्लस इंप्रूव कैसे करें इतना छोटा सा ही टारगेट रख रह रखा है तुमने अब बस ये क्रैश कोर्स फॉलो कर लो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तीस बहुत ही अच्छे आ जाएंगे तुम इतना छोटा टारगेट क्यों रख रहे हो आंसर बी लेट्स सी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू जितने भी ऐसी आइटम्स है भाई सब तुम में से अगर एक भी ऐसी गलती कराया ना नॉट ट्रू को तुमने ट्रू पढ़ लिया या ट्रू को नॉट ट्रू पढ़ लिया थप्पड़ पढ़ना फ्लाइंग थप्पड़ आएगा मेरी साइड से उसी दिन जिस दिन जेई का पेपर होगा तो जितने भी ऐसे आइटम वीडियो देखते हैं जैसे ही नॉट ट्रू आए पेपर में अपने दिमाग में लिख लेना नॉट ट्रू है दिमाग में ठीक है पेन पेपर नहीं है बट नॉट ट्रू है याद रखना इट इज एज इनवर्ट शुगर अभी अभी मैंने बताया द ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन सीवन ऑफ एल्फा ग्लूकोज एंड सीवन ऑफ बीटा फ्रक्टोज इट हैज टू बी सी टू बात खत्म इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑन हाइड्रोलिस इट प्रिड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दैट इज करेक्ट मतलब बी इज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन का था ना सिर्फ इतनी चीजें याद रख जाओ क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओगे डेफिनेटली कर पाओगे नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर सेकेंड जिसको हम बोलते हैं माल्टोज माल्टोज का भी फॉर्मूला तो सेम है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन बस लिंकेज अलग है ध्यान से देखो इट इज एन रिड्यूजिंग शुगर क्यों अब जैसे मैंने बोला रिड्यूसिंग मतलब कहीं ना कहीं सी वन कार्बन फ्री होना चाहिए ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच सी वन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एक अल्फा डी ग्लूकोज का वन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के सी फोर से कनेक्टेड है तो मैंने ऐसे बचपन में याद करा था माल्टोज में मतलब माल ही माल है ग्लूकोज ही ग्लूकोज है तो दोनों यूनिट हैं ग्लूकोज ग्लूकोज एक है सी वन तो ऑब्वियसली दूसरा होगा सी फोर तो जिसका सी फोर इन्वॉल्व है उसका सी वन खाली होगा देखना इसका सीवन खाली है सो यस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर समझ आ गया इज दिस क्लियर टू एवरी वन तो याद कैसे रखोगे माल्टोज माल ही माल ग्लुकोस है ग्लूकोस so ही जैसे ही सीवन सी फोर लिंकेज है तो मतलब एक सीवन खाली है तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा इसी खुशी की बात पे जेई मेन ट्वेंटी नाइनटीन का एक और क्वेश्चन करके दिखाओ आई थिंक अब तुम्हें एक आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किस टाइप की थ्योरी पढ़कर जानी है सब कुछ मत पढ़ जाना सब कुछ पढ़ के जा भी रहे हो तो तब पढ़ के जाओ जब सारी चीजें माइंड में रिटेन कर सकते हो जो नहीं कर सकते हो फिर सारा पढ़कर मत जाना थर्टी प्लस टारगेट नहीं है उतना ही आ रहा है अभी तो मौलिक राज क्या तुमने मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं क्रैश कोर्स की सच सच बताना तो भी तीस प्लस आ रहा है तुम्हारा ऐसे तो हो नहीं सकता कौन से हमारे लव बर्ड्स आए आज क्लास में इतनी दूर होके प्यार ही प्यार कर रहे हैं हैप्पी डे मना रहे हैं डी आंसर आ रहा है लेट्स सी बहुत सारे बच्चों ने डी एक आधा बच्चा ए भी बोल रहा है बीच में माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एच सी एल मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड डाल के क्या देगा माल्टोज तो माल ही माल से बना ना ग्लूकोज ही ग्लूकोज से बना है तो आंसर ही आना चाहिए था ओनली डी ग्लूकोज तुम भी ना यार कैसी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हो अब याद देखो 2019 में इन्होंने क्या बोल रही थी मैं माल्टोज के बारे में पूछ लिया ठीक है सुक्रोस के बारे में पूछ लिया अब बहुत सारे चांसेस हैं कि ये लेक्टोज के बारे में भी पूछ सकते हैं तो एक बार लेक्टोस को भी कर लेते हैं लेक्टोज बेसिकली इज नोन एज मिल्क शुगर बिकॉज लेक्टोस मिल्क में प्रेजेंट होता है ध्यान से देखो यहां पर कैसे याद रखोगे देखना लेक्टोज होता है सीवन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज जी ए एल ए सी टी ओ एस बीटा डी गैलेक्टोज एंड सी फोर ऑफ बीटा डी लैक्टोज में ना लैक है मतलब लैकिंग है इट इट लैक्स लैक्स इन इन समथिंग अल्फा तो दोनों ही जगह बीटा बीटा है तो so, एक ग्लूकोज होगा एक गैलेक्टो गैलेक्टोज होगा सो सी वन ऑफ अल्फा एल्फा सीवन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड सी फोर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जिन बच्चों को ये स्ट्रक्चर नहीं याद रहता कोई घबराने की बात नहीं है जे में स्ट्रक्चर से तुम्हें कुछ नहीं करना बट यू नीड टू नो द लिंकेज कि लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोडा ग्लूकोज का सी फोर यूज हो रहा है मतलब सी वन फ्री है क्योंकि सी वन फ्री है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर आगे बात समझ तो सिर्फ मेन मेन अगर कनेक्शंस भी याद है तो स्ट्रक्चर तो तुम आराम से बना लोगे बाय बाय द वे स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन इन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है, है डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर यह डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है पैसे खर्च रहे हो ठीक है तो सोच समझ के खर्चना कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है डू यू जस्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई तो यू कैन गो फॉर सीबीएसई सब्सक्रिप्शन Do you want to prepare for फॉर or NEET? You can go for जेई NEET subscription. सारे teachers best हैं अपने आप में अच्छा पढ़ाते हैं If you want to go for कि हमें जेई के साथ साथ CBSE की भी तैयारी एकदम अच्छी करनी है तो for a combo subscription. पहले ये decide करो कौन सा subscription. उसके बाद ये decide करो कि कितना लंबा subscription लेना है तुम्हें एक साल पूरी preparation करनी है दो साल की करनी है कई बच्चे होते हैं कि नहीं nah मैम हमें तो पहले ट्रायल बेसिस पे लेना है तो तुम एक महीना तीन महीना छह महीना मतलब पैसे भी देखो कि कितने कौन सा बच्चा किस सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग तुम खरीद सकते हो ठीक है बस सब्सक्रिप्शन खरीदते हो याद रखना है कि मैम बहुत ही बढ़िया है मैम का कोड यूज हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ओके सो दैट इज ऑल अप टू यू जो बच्चे सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं ले सकते हो बढ़िया चीज है मतलब मुझे जब से मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया तो मुझे काफी अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जिनसे मैं खुद पढ़ी हुई हूँ वो भी टीचर्स आज इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं सो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर की जहाँ मेरे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं मैं भी पढ़ा रही हूँ तुम्हें जिसका समझ आता है भाई तुम उनसे पढ़ लो इट्स तो, कूल cool ना आगे देखो ओके okay, अब मैं तुम्हें यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं देर इज दिस टॉपिक मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतना ही पढ़ना है दैट इज इट इससे ज्यादा कुछ रटना नहीं है नेक्स्ट मैं टॉपिक पे बात करती हूँ वो सेवन फिफ्टी फाइव हो चुकी है तो एट थर्टी तक आई विल वाइंड अप द क्लास क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है अब जिस टॉपिक पे हम हैं उस टॉपिक का नाम है अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बहुत सारे बच्चों को डर लगने वाला है इस टॉपिक से बट अगर तुम डर गए तो तुम ये सोच के बैठो कि चार नंबर तो चले गए एंड बट ये बात भी मैं बोल देती हूँ ये थोड़ी सी किस्मत का खेल है कई बार जेई में जितना अभी तक हमने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इसका क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो अगर तुम अमीनो एसिड टॉपिक स्किप करके गए हो तो तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है बट कई बार जेई वाला गेम खेल जाता है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं देता एंड ही गिव्स क्वेश्चन रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स प्रोटीन डीएनए आरएनए अगर अमीनो एसिड प्रोटीन डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आ गया तो शायद तुम केमिस्ट्री पे ये टैग लगा सकते हो कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन है बिकॉज आगे मैं जो भी बताऊंगी वो शायद थोड़ा सा मग अब तुम कह सकते हो यू नीड टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर सो अगर तुम ये uh, क्या कहते हैं ये फेट वाली ये डेस्टिनी वाली गेम में विश्वास करते हो तो बेशक तुम ये टॉपिक स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें रट्टा नहीं मारना है ठीक है यू कैन स्किप दिस टॉपिक मैं बोल रही हूँ बट अगर तुम आ, किस्मत में कम विश्वास करते हो कि तुम्हें पता तुम्हारी किस्मत खराब है तो तो ये टॉपिक जरूर कर कर जाना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टॉपिक को करने में समझने में बट यस इससे प्लस चार नंबर का आराम से क्वेश्चन आएगा जिसमें नेगेटिव होने के चांस नहीं है आता होगा तो कर लोगे नहीं आता होगा तो फिर छोड़ना पड़ेगा ठीक है तो टॉपिक का नाम है अमीनो एसिड्स बाय द वे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं अमीनो एसिड्स द कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक अमीनो ग्रुप होता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप होना चाहिए ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स ठीक है ये इनका जनरल फॉर्मूला है जिस कार्बन पे सीओ एच लगा हुआ है उसको बोलते हैं एल्फा कार्बन एल्फा पोजिशन पेन ग्रुप लगा हुआ है सो दिस इज नोन एज अमीनो एसिड ठीक है 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 ये जो मैंने R ग्रुप लगाया, ये ये जो जो आर आर ग्रुप ग्रुप मैंने लगाया हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये है अदर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक ग्लाइसिन ऐसा है क्यों ग्लाइसिन क्योंकि ग्लाइसिन में दोनों ही हाइड्रोजन है तो मतलब ये कार्बन कायरल ही नहीं है सो दिस इज द ओनली अमीनो एसिड इज ए से ऑप्टिकली इनएक्टिव बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है भाई साहब अब तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है जैसे ही मैं तुम्हें इस आर ग्रुप के बारे में बताऊंगी हजारों स्ट्रक्चर्स तुम्हारे पास आएंगे जिनको तुम याद कर सकते हो तो बढ़िया वैसे सारे याद करने की जरूरत नहीं है बहुत सारे हैं उनमें से मैं चार पाँच बता रही हूँ सिर्फ उतने याद कर लेना एस वी आइटम्स का काम तो हो जाएगा ठीक है बाकी देखो श्रद्धा भावना तुम्हारी है तुम सारे याद रख सकते हो तो भी बढ़िया अगर तुम सारे याद नहीं कर सकते तो जो जो मैं बताऊंगी कम से कम वो याद करके चले जाना ठीक है वो जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा तुम जेई में क्वेश्चंस क्लियर कर पाओगे ध्यान से देखो अमीनो एसिड्स के बाद मैंने एक टॉपिक लिखा था प्रोटीन क्या होते हैं प्रोटीन को पढ़ाने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू पेप्टाइड क्या होता है देखना ये हमारा एक अमीनो एसिड हो गया एन एच टू आर ग्रुप दिस इज आर वन अमीनो एसिड इसके सामने एक और अमीनो एसिड रख दो जिसका एन एच के सामने आना चाहिए यहां से ना पानी निकलवा दो तो यहां से ओ OH निकालो यहां से एच निकालो ये जो बॉन्ड बना ना सीओ एन एच जो बीच में बना जब दो अमीनो एसिड से पानी निकला इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड और दो अमीनो एसिड से बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं आगे सीओ एन एच इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज एंड सी एन इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड ये जो सी और एन का बॉन्ड है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जैसे वहां पर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बोला था यहां पर इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं आगे देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं अगर एक अमीनो दूसरा अमीनो तीसरा अमीनो चौथा अमीनो बड़े सारे अमीनो एसिड से पानी निकला तो जो पेप्टाइड बनेंगे वो पॉली बनेंगे बहुत सारे बनेंगे ठीक है द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स उनको बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड्स राइट right? और प्रोटीन्स क्या होता है दे आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड देखो अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड मिलकर क्या निकालेंगे एक पानी का मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है वो सो ऑन so जो लंबे से अल्फा मतलब जो लंबे से लीनियर चेन का पॉलीमर बनेगा दैट इज नोन एज प्रोटीन सो जो हमारी बॉडी में जो हम प्रोटीन हम लेते हैं ठीक है थीके? जो हमारी बॉडी में है दे आर नथिंग बट दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली यहाँ से जिंदगी थोड़ी नष्ट होने वाली है ठीक है सो आई होप एवरी वन इज रेडी फॉर द नस्ट ऑफ योर जिंदगी What इज़ योर कोड माई कोड इज एस ए के एस एच आई मेरा वचन ही है मेरा शासन मैं डायलॉग को चेंज करती हूँ मेरा नाम ही है मेरा कोड तो so ये यूज़ कर सकते हो और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ये वाला कोड यूज़ कर लो जिंदा तो मैं वैसे भी रहूँगी साक्षी लाई मरने वाली न्यू इतनी जल्दी ठीक है अश्विनी आई हैव टेकन योर नेम है चलो मैम केमिस्ट्री में अच्छे नंबर चाहिए प्लीज थोड़ा वापस रिपीट करो मैम आपका नाम मेरा नाम भी साक्षी है माई नेम है साक्षी ठीक है देखो यहां से थोड़ी सी जिंदगी नष्ट होने वाली है बाकी नष्ट होने से तुम्हारी मैम बचा लेगी जो आर ग्रुप था ना ध्यान से देखते जाओ एक बार मैं खाली ब्लैंक स्लाइड ले लू अमीनो एसिड की शक्ल क्या थी आर कार्बन एच एक सीओ एच एक एन एच ये तीन चीजें फिक्स करो आर ग्रुप को चेंज करते जाओ जैसे जैसे तुमने आर ग्रुप को चेंज किया बड़े सारे अमीनो एसिड उत्पन्न हो जाएंगे लेट अस सी द फर्स्ट उत्पन्न हुआ अमीनो एसिड अगर आर ग्रुप की जगह मैंने लगाया हाइड्रोजन एनएच टू सीओ एच सी एच के साथ एक क्या लगा दिया हाइड्रोजन इसको बोलते हैं ग्लाइसिन किसी भी अमीनो एसिड को या तो फर्स्ट उसके कैपिटल क्या, से लिख लेंगे या ग्लाइसिन की स्पेलिंग है जी एल वाई तो पहले तीन अल्फाबेट ले लो जी एल वाई इसको बोलते हैं ग्लाइसिन पता होना चाहिए आगे देखो ग्लाइसिन के बाद आता है एलानीन एलानिन में क्या होता है सिंपल हाइड्रोजन की जगह एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप लगा दो ये कुछ कुछ अमीनो एसिड है याद रखने आसान है ग्लाइसिन के बाद एलानिन एलान के बाद आता है वैलीन। वैलीन का नाम होता है वी ए एल वी एल में मतलब ये ऐसे वी सा लगा दो देखो ऐसा ये वाई सा लगा दो देखो क्या है ये सब कुछ सेम है ये सब कुछ सेम है अब यहाँ पर दो ऐसे मतलब ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा दो मतलब ये दो मिथाइल ग्रुप लगा दो लाइक दिस ठीक है सो दिस इज योर वेलिन आगे देखो नेक्स्ट वी हैव ल्यूसीन देन वी हैव आइसोल्यूसीन मिथियोनीन प्रोलीन लाइक दिस यू कैन कंटिन्यू देखना ये सब कुछ सेम लगाओ यहाँ पर सी आएगा ये सेम यहाँ पर आगे चेन ऐसे बढ़ती जाएगी मतलब एक दो तीन और यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी अगर मैं तुम्हें बोलू ये सारे लर्न करो बट सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है क्या क्या याद रखोगे ग्लाइसिन एलानिन वेलिन इवन ल्यूसीन याद करना आसान है ये याद कर लो इसको तुम स्किप कर सकते हो मिथ्योनिन प्रोलीन स्किप कर सकते हो मिथ्योनिन में ये याद रख लो सल्फर होता है व्हाटएवर द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मत रटना बट याद रख लेना सल्फर होता है आगे देखो एक होता है फिनाइल एलानिन एलानिन क्या था थ्री ऐड किया था तो फिनाइल एलानिन क्या हो जाएगा बेंजीन ग्रुप ऐड कर दो टू के साथ देन वी हैव ट्रिप्टोफैन टीआरपी रटना नहीं है ये याद कर सकते हो ये मत रटो भाई साहब एस्पारजिन ये याद करना इंपॉर्टेंट है ग्लूटामीन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है सेरीन थ्रियोन इन सबको तुम स्किप कर सकते हो जो मैं बोल रही हूँ ना याद रखो इनका नाम इनका स्ट्रक्चर अगर तुमने अभी प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा बाय द वे मैं जेई की थोड़ी सी बुराई करना चाहूंगी इस वीडियो में जेई में इन ट्वेंटी ट्वेंटी में इन्होंने एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ठीक है आई टेल यू द स्टोरी दैट इज अ चैप्टर नेम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा दे सिंपली आस्क्ड कि इस इस कंपाउंड में कितने स्टीरियो सेंटर होंगे उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक बहुत गंदा स्ट्रक्चर है ठीक है बहुत सारे दुनिया के बच्चे स्ट्रक्चर छोड़ के जाते हैं दे जस्ट स्किप द स्ट्रक्चर ये सोच के कि वो तो कभी नहीं आएगा बट ट्वेंटी ट्वेंटी में अनएक्सपेक्टेडली जेई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो जब जेई ट्वेंटी में ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो मैं दोबारा बोल रही हूँ अगर तुम्हें प्लस फोर चाहिए इस चैप्टर में और तुम्हारी अगर किस्मत खराब निकली तो शायद इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा अगर किस्मत अच्छी निकली तो जो पिछले वाले टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट्स कराया था उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा इट इज टोटली अप टू यू टू डिसाइड कि क्या तुम्हें ये रटना है या नहीं जैसे एस्पार्जीन, इनका स्ट्रक्चर याद रखना बिकॉज ये बहुत ही कॉमन मतलब अमीनो एसिड्स हैं जो बारी बारी पूछे जाते हैं ट्रायोसिन को छोड़ सकते हो सिस्टीन ये सब छोड़ सकते हो मतलब याद रखोगे ऑब्वियसली गुड बट यू कैन स्किप ऑल्सो एस्पार्टिक एसिड एनी हाउ अदर अदर यू नीड टू रिमेंबर एसिड एनी हाउ अदर यू नीड टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर क्या है देखो ये सेम, है, CH2COH, मतलब acid this acid. ये सेम है, H है, मतलब एसिटिक एसिड लगा हुआ हैगा हुआ है एसिटिक एसिड यहाँ प्रॉपर नोक एसिड सो दिस तो यू कैन रिमेम्बर इजी भी है ग्लूटामिक एसिड आगे दिस छोड़ दो अर्जीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट कुछ करके जाओ ना ना जाओ अर्जिनिन और हिस्टिडीन को करके जाना सख्त सख्त आवश्यक है हिस्टिडीन से तो ऑर्गेनिक तक में क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों स्ट्रक्चर आने चाहिए देखो क्या होता है ये सब कुछ सेम है सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन 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 और बीच में C तो याद करने का तरीका है देखो पहले सब कुछ सेम C C C फिर N है है ना मतलब फिर एक बीच में C है जिसके साथ N है जिसके ऊपर रहना है जिसके इधर रहना है बस अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन कर दो CH2, 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 बीच में C है है N, N, N. इतना तो समझ आ गया histidine का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ बट याद करके जाना है ये सब कुछ सेम है फिर लगाओ एक बीच में सी एच टू लगा दिया सी एच टू फिर यहाँ पर एक फाइव मेंबर रिंग बनाओ बनाई फाइव मेंबर रिंग एक को छोड़ के नाइट्रोजन एक को छोड़ के नाइट्रोजन एक को छोड़ के यहाँ पर मतलब इस इस पॉइंट को छोड़ दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन होने चाहिए रिंग में दिस इज नोन एज हिस्टिडीन ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे मैं इसमें भाई मैं टीचर हूँ ठीक है मुझे ये स्ट्रक्चर बचपन से रटे हुए हैं तभी मैंने बोला था आई स्टेट टॉपर तो मुझे ये सारी चीजें तब से आती थी बट मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता सकती हूँ कौन कौन से आ सकते हैं अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ मैं तुम्हें तुक्का भी बता रही हूँ कैसे याद रखोगे सी 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 फिर कार्बन को सेंटर में एन 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 ये याद रख सकते हो इसको कैसे याद रखोगे सब कुछ सेम है पहले बीच में सी फिर एक फाइव मेंबर रिंग बनाओगे जिसके दो मतलब एक को छोड़कर नाइट्रोजन बना दोगे फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कनेक्शन शो कर सकते हो सो दिस यू कैन रिमेम्बर हिस्टिडीन हो गया अब मैंने तुम्हें बोला ना कि जेई में क्वेश्चन आते हैं है ना और मैं तुम्हें अब क्वेश्चन दिखा देती हूँ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ शुड यू डू दिस टॉपिक और शुड यू स्किप आई मीन इट इज टोटली अप टू यू मेरा ड्यूटी थी कि तुम्हें बता दू पढ़ा दू वो मैं पढ़ा रही हूँ जेई मेन इन ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन देखो इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के फॉलोइंग नहीं कर पाओगे तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा देती हूँ न्यूट्रल भी हो सकते हैं बेसिक है या न्यूट्रल है तो अगर एक सीओ एच और एक एन एच टू है तो अमीनो एसिड न्यूट्रल हो गया है ना अब इस आर ग्रुप में देखा तुमने वो एक एस्पार्टिक एसिड देखा था एसिड देखा था जहां पे एक्स्ट्रा सी था तो दो सी हो गए बट एन एक हो गया तो इस टाइप के अमीनो एसिड को बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड अभी जो पीछे देखा हिस्टिडीन यहाँ पर देखना ये एनएच है ये भी एनएच है मतलब यहाँ पर एनएच वाला ग्रुप ज्यादा है कंपेयर टू एसिटिक एसिड ये हो गए बेसिक अमीनो एसिड ठीक है तो अमीनो एसिड एसिड एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं। हैं हैं। बोल बोल रहे रहे काफी सारे बच्चे। Many of you are saying A, बच्चे कई देखना A और D, the increasing order of -A, पहले देख लेती कौन-कौन से आते हैं देखो एक एल वाई एस है एक Arginine है, एक GLY एस्पार्टिक एसिड है इतना मुझे समझ आ रहा है मुझे ज्यादा के जैसे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ तुम्हारे जैसी जिसको ज्यादा नहीं पता लेट से तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करूंगी मैं ये सोचूंगी कि मैम ने सिखाया था एस्पाटिक एसिड एक एसिडिक है जबकि ग्लाइसिन में एक सी है एक एनएच है तो ग्लाइसिन तो एसिडिक अमीनो एसिड नहीं होगा और ये भी मुझे पता है कि अगर किसी का पी के ए ज्यादा तो वो एसिडिक कम होगा और जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका पी के सबसे कम होना चाहिए एस्पार्टिक एसिड तो सच में अमीनो एसिड है तो उसका पीके सबसे कम होना चाहिए तो एस्पार्टिक एसिड सबसे कम सबसे कम तो ये दो ऑप्शन तो के बी सी की तरह एलिमिनेट कर दी कि ये तो नहीं हो सकते फिर एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन में तो मुझे कंपेयर ही नहीं करना था मुझे अर्जिन में कंपेयर करना है और एल वाई एस लाइसिन में कंपेयर करना है फिर मैंने सोचा दिमाग लगाया फिर मेरे को याद आया मैम ने कहा था अर्जिन एक बेसिक अमीनो एसिड है जिसके अंदर डेफिनेटली हमारे

137 बच्चे लाइव हैं इस टाइम पे और इस टाइम पे 137 बच्चों में से जो आधे स्टूडेंट्स हैं ठीक है 138 मान लेते हैं नहीं तो किसी की बॉडी को हमें काटना पड़ेगा तो जितने भी स्टूडेंट्स मान लेती हूँ उसमें से सत्तर बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे ये टॉपिक तो हमें नहीं करके जाना हम नहीं करेंगे तो जेई में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली उनको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा देल गेट अ जीरो ठीक है कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे वो जो सत्तर थे ना उनके तो जीरो आ गए अब बचे सत्तर में से पैंतीस बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चलो पूरा ही रट लेते हैं वो बहुत मेहनत करेंगे पूरा रट जाएंगे उनके आ जाएंगे प्लस चार जा, ठीक है अब वो जो बाकी पैंतीस बच्चे हैं ना वो ऐसे होंगे जो थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे वो कहेंगे कि कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो इस बात से डिपेंडेंट नहीं होगा कि तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स पता होने उन्हें तुम्हें अगर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पता है तो तुम आंसर तो डेफिनेटली निकाल पाओगे तो आई वॉन्ट मैक्सिमम क्राउड जो पूरा अच्छे से लर्न कर रहे हैं बहुत बढ़िया बट जो सत्तर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के जा रहे थे छोड़ के मत जाना जितने अमीनो एसिड्स के नाम मैंने तुम्हें बोले हैं कि ये वाला मार्क कर लो जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है उतना तो कम से कम करके जाना तुम्हारा जेई का क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है मैम आप क्लास ट्वेल्थ का रेगुलर बैच कब कराओगे यूट्यूब पे आई एम स्टिल वेटिंग यार यूपीएससी गैलेक्सी मैं तुम्हें बताती हूँ की अभी तो वो ये फोर्टी फाइव डेज वाला क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दू ये मेरा एम है ठीक है फिर जेई के जिस दिन पेपर होंगे उस दिन लाइव पेपर की डिस्कशन कर लेंगे ताकि मैं तुम्हें बता दूं जो जो मैंने कहा था उनमें से कितनी चीज़ें आई हैं मैं खुद भी देख लूंगी है ना एंड देन मार्च वन से आई विल बी स्टार्टिंग टू पैरल बैचेस एक होगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स के लिए एक होगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए अब डेफिनेटली मैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों पैरल ही स्टार्ट करूंगी जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं जिनकी इलेवंथ शायद वीक रह गई है ठीक है तो वो वाले भी वो बच्चे भी इलेवंथ के बैचेज़ अटेंड कर सकते हैं ओके okay. so, यहां तक हो गया एक और खुशी की बात पे जेई मेन 2019 का क्वेश्चन करके दिखाओ मैंने बोला था सब रटने नहीं है यू डोंट हैव टू सो मेनी थिंग्स ठीक है करके दिखाओ ये लेट्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छा मेरे रहते जिंदगी नष्ट नहीं होगी मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि किसी की जिंदगी नष्ट ना करूँ है ना कल हम ऑनलाइन आएंगे सुबह के ग्यारह बजे कल एक बजे की क्लास के बजाय ग्यारह बजे क्लास रख दिया एक्चुअली कल आई गो आईवेर तो पहले ही क्लास ले लेती हूँ ठीक है आंसर आ गया अच्छा मेरे ना मेरे को लग रहा है मेरी स्लाइड में गलती थी एक मिनट हाँ, ये वेलीन वाला स्ट्रक्चर था नहीं गलती नहीं थी ठीक है यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन नहीं था ठीक है ठीक है मेरे को लगा यहाँ पे कुछ गलती है कोई गलती नहीं है बढ़िया था चलो ये क्वेश्चन करते हैं द द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो प्रेजेंट इन एक दो तीन दिखा ना एक सी ओ एन एच एरा हाँ मतलब दो सी एच बॉन्ड सी एन बॉन्ड दिखेंगे और तीन मॉलिक्यूल से दिखेंगे सही है सीक्वेंस बताना है हाय हाय ये तो वाई नहीं लगा हुआ ये तो वही नहीं है मैंने कहा था पहले ग्लाइसिन एलानिन तीन तो तुम कोई भी रट सकते हो तो पहला तो पहला है 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 ये है ये है ये नहीं 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 लो जो बच्चे छोड़ के जाने वाले थे सिर्फ इतना भी करके जाते तो आंसर आ जाता दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैलीन ठीक है तो जो भी अगर ट्राइपेप्टाइड में तुम्हें पहचानने को भी आ जाएगा ना तो भी तुम कर पाओगे अगर एक आधा भी तुमने याद कर रखा है आगे करते हैं लेट अस कंटिन्यू फर्दर एक लास्ट क्वेश्चन है 2019 का इस टॉपिक पे वैसे इस क्वेश्चन को तुम होमवर्क ले लो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर टूडेज क्लास ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड डी एन ए आर एन है ना डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए होता है राइबो न्यूक्लियड अभी सारी चीजें बताती हु एक, एक करके अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर तुम्हारा मन करेगा कि मैम को यूट्यूब से बाहर निकालो और मैम का गला दबा दो बिकॉज इसमें भी स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं तो इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली स्किप द टॉपिक बट इफ यू थिंक कि थोड़ी सी मेहनत करने से प्लस स्टार मिल जाएंगे तो मेहनत कर लेते हैं ये टॉपिक्स को करके जाओगे तो रिस्क कम है फिजिकल या ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लगाते हो फिर भी एक रिस्क रहता है बिकॉज एक अननोन क्वेश्चन आ सकता है जबकि इन टॉपिक्स में इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन

पांच कार्बन एटम वाली शुगर शुगर जैसे सुक्रोज फ्रक्टोज ये किया था वैसे ही पांच मेंबर वाली शुगर पेंटोज है ठीक है एक नाइट्रोजिनस बेस होता है एक बेस होता है जो फर्स्ट पोजिशन पे अटैच होता है नाउ वट इज बेस बेस का मतलब कुछ ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है और नाइट्रोजन कंटेनिंग एक बेस होता है उनके शक्ल में अभी दिखाऊंगी और साथ में फिफ्थ पोजीशन पे होता है एक फॉस्फेट ग्रुप तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है जब टाइड आती है तुम ऐसे याद रख सकते हो जब टाइड आती है पानी में बड़ी सारी होती है तो उसमें बड़ी सारी चीजें होती है एक होता है फाइव मेंबर शुगर एक होता है बेस फर्स्ट पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे होता है फॉस्फेट ग्रुप इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड आगे देखो पेंटोस शुगर कौन सी हो सकती है ये इंपॉर्टेंट है नाउ आई विल टीच यू तीन डिफरेंट डिफरेंट थिंग एक तो शुगर के बारे में एक बेस के बारे में एक फॉस्फेट ग्रुप के बारे में ध्यान से देखो पहले देखते हैं पेंटोस शुगर कौन कौन सी हो सकती है या तो वो राइबोस शुगर हो सकती है या हो सकती है डी ऑक्सी ये राइबोस का स्ट्रक्चर है जैसे हमने ग्लूकोज का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर रटा ना सिमिलर तरीके से तुम राइबोस का भी स्ट्रक्चर याद कर सकते हो पांच मेंबर है रिंग ऊपर बड़ा ग्रुप नीचे बड़ा ग्रुप यहाँ पर दो बड़े ग्रुप सामने सामने ऊपर बड़ा ग्रुप तो इसको याद रखने का तरीका यह है दो बड़े ग्रुप ऊपर दो बड़े ग्रुप नीचे इसको बोलते हैं राइबोस शुगर अगर सेकेंड पोजिशन पे ओ की बजाय दोनों हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर तो जब मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करती हूँ उसमें जो शुगर की बात करती हूँ या तो वो राइबोस हो सकती है या डी राइबोस राइबोज को रट्टा मारने का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दो बड़े ग्रुप ऊपर दो बड़े ग्रुप नीचे डी ऑक्सी राइबोज इजी है जो सेकंड पोजीशन का ओएच OH है उसकी जगह सिर्फ हाइड्रोजन लगा दो शुगर so, क्लियर हो गया फाइव मेंबर ड्रिंक आगे देखते हैं नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेस यहाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग कंफ्यूज कंफ्यूजिंग विच इज वेटिंग फॉर यू पांच बेसिस होते हैं हमारे एडिनिन गॉनिन साइटोसिन थायमिन यूरसिल पांच के पांच के स्ट्रक्चर्स जेई वालों ने देखो पूछ रखे हैं तो तुम्हें याद रखने हो तो बेशक याद रख सकते हो मेरे को गालियां मत दो जेई ने पूछे हैं तो तुम उनको कहो जो तुम्हें कहना है सो दीज आर डिराइव फ्रॉम टू रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर देखना एक होता है एडेनिन एक होता है गौनीन. इनका बना लिया सी 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 एन सी एन वैसे इसको रटना मुश्किल नहीं है दिमाग से रटोगे तो हो जाएगा सी 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 एन सी एन सी 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 एन सी एन यहाँ तक सेम है आगे देखो एन सी एन एन सी एन यहां तक सेम है क्या कर रहा दोबारा बताओ सी 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 एन सी एन एन सी एन बस दोबारा बताओ रट, रटना मुश्किल नहीं है रटना तो है देखो मैं बीइंग अ टीचर तब भी बोल रही हूँ रटना तो है तुम्हें छोड़ना तुम स्किप कर सकते हो बाकी रटना आसान है देखो दिखाओ सी 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 एन सी एन ये बना लिया सी 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 एन सी एन और सिंपल डब या देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल यहाँ पर अच्छा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में चेंजे बताती हूँ आगे देखो यहाँ एन सी एन क्या था यहाँ पे भी कर दो एन सी एन यहाँ यहाँ कर दो एन सी एन आ गया अब एडेनिन सेम है गोनिन में क्या करना है ऊपर डबल बॉन्ड हो और नीचे एनएच टू तो एडेनिन गिन का स्ट्रक्चर याद रख सकते हो आगे देखो एक होते हैं हमारे साइटोसिन था यूरोसिन ठीक है देखो साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ सी 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 एन सी एन बस इतना और ऊपर एन एच टू नीचे सी डबल बॉन्ड हो तो इसका स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू गॉनिन का स्ट्रक्चर बस ये ये रिंग तो पलटी है दैट्स इट आगे देखो थाइमीन क्या होता है सी 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 एन सी एन इसका स्ट्रक्चर इज समवर्ड सिमिलर टू यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो है यहाँ पर सी एच थ्री है एक और देख लो सी 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 एन सी दो सी डबल बॉन्ड ओ है स्ट्रक्चर दिखने में बहुत टफ है बट समझोगे तो आसान है ठीक है वापस बताओ वापस बताओ देखो बहुत ईजी है डरो मत अब आधे बच्चे तो डर जाएंगे मैम हम तो नहीं कर पाएंगे तो डरोगे तो फिर मरोगे देखो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ पीछे आओ स्ट्रक्चर याद करना है एडिनिन गोनिन साइटोसिन थायमिन, यूरोसिन देखना सी 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 एन सी एन ये कर सकते हो डबल सिंगल डबल बॉन्ड लगा देना फिर यहाँ लगाओ एन सी एन सी 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 एन सी एन यहाँ लगाओ एन सी एन पहले ये क्लियर हो गया ये तो हो गए दो दो मेंबर वाले अब देखो इसमें लगाओगे खाली एक एन एच टू इसमें ओ डबल बॉन्ड ओ आया एन एच टू को धक्का मारा एन एच टू थर्ड पोजिशन पे आ गया पहले एक एन एच टू राजा था डबल बॉन्ड ओ आया धक्का मारा एन एच टू नीचे चला गया ये हो गया एडिनिन गोनिन साइटोसिन थामिन यूरेसिल देखो सी 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 एन सी एन सी 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 एन सी एन कर दिया, अब देखो. पहले NH2 उपर, राजा है C, नीचे. थोड़ी देर बाद डबल बॉन्डो ने इसको भी सब्सिट्यूट कर दिया दोनों डबल बॉन्डो बन गए और यहाँ पर भी सब कुछ है सेम दोनों डबल बॉन्डो बस यहाँ पर बीच में मिथाइल था बात खत्म इतना याद रखना स्ट्रक्चर के अच्छा अगर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इतना समझ आ गया मैम कैन यू रिकमेंड गुड टीचर्स फॉर बायोलॉजी यार पीयूष गर्ग सारे ही टीचर्स अपने आप में बेस्ट होते हैं ठीक है मैं ये कहूँगी कि तुम ट्राई करो डिफ़रेंट डिफरेंट टीचर्स से पढ़ना ठीक है और सबसे पहले तीन चार टीचर्स की स्पेशल क्लास देखो तुम्हें जिसकी क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें जिसकी क्लास में नींद नहीं आ रही वो तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर है ठीक है मतलब मैं ऐसे कोई किसी टीचर का नाम बोल दूँ हो सकता है वो मेरे लिए अच्छे हों बट तुम्हारे लिए नहीं अच्छे हों सो ट्राई आउट द टीचिंग स्टाइल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स अन अकेडमी की यही तो एक खास बात है यू कैन चूज योर टीचर्स बाई ट्राइंग आउट फर्स्ट कि कौन सा ज्यादा बढ़िया है मैम प्लीज डराइये नहीं आपके रहते जिंदगी अरे नहीं हो रही है ना नष्ट इतने अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें सिखा दिया कोई टीचर ऐसे नहीं सिखाता टीचर्स कहते हैं रट लो सी 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 एन सी एन मैं सिखाती हूँ एस वी आईटम्स को आता है इस सेशन को ना शेयर कर देना अगर ये सी 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 एन सी एन मेथड अच्छा लगा बहुत ही सही है अब बात करते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड और डी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पहले ये देख लो अच्छा एक और चीज न्यूक्लियोटाइड क्या था बेस शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड क्या होता है इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड शुगर यहां पे फॉस्फेट लिंकेज नहीं होती है ये दो स्लाइड्स और हैं एक डीएनए की एक आरएनए की उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है डीएनए क्या होता है डीएनए होता है डी ऑक्जी राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या फर्क है फिर वो जो सिंपल शुगर यूनिट थी ना एक जगह राइबोज शुगर है तो वो आर एन ए बनेगा एक जगह डी ऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो डी एन ए बनेगा ठीक है जैसे डीएनए को पानी में डालेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड आएगा डी ऑक्सी राइबोस शुगर आएगा और जो हमारे बेस हैं वो एडिनीन गोनिन साइटोसिन थाइमिन इन चार में से हो सकते हैं ठीक है आरएनए को पानी में डालोगे तो फॉस्फॉरिक एसिड आएगा राइबो शुगर आएगा एंड सिर्फ एडिन साइटोसिन यूरेसिल जो हमारा क्या होता है आर एन ए होता है ना उसमें यूरेसिल होता है प्रेजेंट नहीं होता मतलब अगर किसी में यूरेसिल है तो दैट मीन्स वो हमारा राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए होगा अब डीएनए और आर एन ए के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आता है तो मैं बताती हूँ डीएनए का ना एक डबल हेलिकल जो जो डबल ऐसे वाला स्पाइर वाला स्ट्रक्चर होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है ध्यान से देखना इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन एक और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ईच चेन फॉर्म्स अ राइट हैंडेड हेलिकल स्पाइरल ऐसे वाला राइट हैंडेड हेलिकल हेलिकल स्पाइरल बनाता है टेन बेसिस इन वन टर्न ऑफ द स्पाइरल द टू चेन कोइन टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स ये देखो एक ये एक ये तो ये डबल हेलिकल सा स्ट्रक्चर बनता है ठीक है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और ये ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऐसे होता है ए जी सी टी ठीक है ए जी सी टी ए ए जी सी टी होता है ना ए टी जी सी ना ना ए जी सी टी नहीं ए टी जी सी ए टी जी सी हाँ तो एडेनिन पहले वाले का एडेनिन और सामने वाले के थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पहले वाले का ग्लाइसिन और पहले वाले का गोनिन और सामने वाले के साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बनती है ठीक है ए आगे देखो

एक छोटा सा टॉपिक uh, मैं यहाँ पर स्किप कर चुकी हूँ दैट इज द टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स ओ माय गुडनेस मैं ये टॉपिक भूल गई तो यहाँ लिखना टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स तो मुझे याद दिला देना आई विल टीच दिस टॉपिक इन द स्पेशल क्लास जो बच्चे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ये टॉपिक करके चले जाना अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है ठीक है बट स्टिल करके चले जाना अब मुझे दो तीन क्वेश्चन करके दिखा दो एंड देन विल वाइंड अप द क्लास वी आर ऑलमोस्ट डन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आर एन ए आर एन ए के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है विच ऑफ दॉट ट्रू अबाउट आर एन ए आंसर नहीं आ रहा अच्छा चार्ट आ रहे मैम प्लीज टेक बायोमोलिक्यूल्स टेस्ट ऑल्सो सूर्या आई एम प्लानिंग की मैं अभी मॉक टेस्ट लूंगी जहां पर फुल ऑर्गेनिक आएगी फुल ऑर्गेनिक में आई विल बी इंक्लूडिंग बायो मोलिक्यूल ऑल्सो ठीक है आर एन ए के लिए क्या नॉट ट्रू है इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैंने बोला यार आर एन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वो आर एन ए डायरेक्शन देता है कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए ये पोस्टमैन की तरह होता है पता है बायो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है बट कुछ ऐसे होता है एक मैसेंजर आर एन ए होता है जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है कि जाओ ग्लाइसिन को लेके आओ जाओ uh, ऐसे ट्रिप्टोफैन को लेके आओ ठीक है एक राइबोसोमल आरएनए होता है एक होता है ट्रांसफर आरएनए जो मैं कुछ ये सब होते हैं मतलब इतना मुझे पता है कि यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स ठीक है आई एम नॉट गेटिंग योर चैच वॉट बार मैं वापस चालू करती हूँ वन सेकेंड ना आई एम नॉट गेटिंग योर चैट्स क्लास का लिंक ये रहा या नाउ आई एम गेटिंग

जेएमएन 2019 का क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन आरएनए इनमें से आरएनए में कौन-कौन सा होता है आरएनए में होता है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन होता नहीं है और यूरेसिल एडिनिन ग्वानिन तो वो वाले होते हैं ना जिनमें दो रिंग्स हैं तो इनमें से कोई भी एडिनिन ग्वानिन नहीं है क्या सिखाया था मैंने सीसीसी एनसीएन सीसीसी एनसीएन ध्यान से देखना कहाँ गया हमारा कहाँ गई वो यूनिट तो तो है है? नहीं साइटोसिन ठीक या ये याद रख लो। इस C पे तो डबल बॉन्ड हो हर जगह ही है ना? ये ऐसे भी याद रख सकते हो पहले में एन एच टू फिर है डबल बॉन्ड हो और सी एच थ्री फिर है डबल बॉन्ड हो ये है साइटोसिन थामिन यूरोसिल दोबारा बताओ ये हो गया था ना एन एच टू है ए, डबल ओ के साथ सी एस टी है खाली डबल ओ है देखना मैच कर लो सी 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 एन सी एन सी 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 एन सी एन इसने पलट दिया सी 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 एन सी एन सी 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 एन सी एन चलो देख लेते हैं बहुत बढ़िया साइटोसिन uh, और यूरेसिल में देखना है साइटोसिन में क्या था एनएच टू और सी डबल बॉन्डो एनएच टू और सी डबल ओ ठीक है और में क्या होता है यूरेसिल में आई मीन आर में तो सिर्फ यूरसिल इंपॉर्टेंट है ना तो ये मुझे का दिख रहा है। so, याद हो जाएंगी बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी याद हो जाएंगे I, way, ये मुझे पता नहीं था दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई थॉट एक और क्वेश्चन है सो दैट इज इट अब मुझे बताओ इतना सा चैप्टर जिसमें इतनी सारी चीजें याद करने की थी तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो रट्टा मारने की थी क्या ये चैप्टर अब थोड़ा सा ईजी लग रहा है थोड़ा सा यू जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन मैंने तुम्हें एल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखना सिखा दिया है ना जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें से पूरी लिस्ट में से चार पांच बता दिए जिनको तुम याद रख सकते हो आंसर आ जाएगा ठीक है एंड ये सी 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 एन सी एन वाली ट्रिक भी काफ़ी अच्छी है तो ये सारी ट्रिक्स के साथ आई थिंक अब हमें क्लास को वाइंड अप करना चाहिए एक टॉपिक मैंने बोला है वो स्किप हो गया मेरे से आई थॉट कि मैंने इंक्लूड करा है बट वो मेरे माइंड से निकल गया था द टॉपिक वॉज हाउ टू डू द टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स ठीक है तो एस्टर टेस्ट होते हैं ये चार पांच टेस्ट हैं आई विल टीच यू दैट ऑल्सो इन माई स्पेशल क्लास सो मेक श्योर इफ यू वॉन्ट टू डू मोर डिटेल्स अबाउट द टॉपिक मेक श्योर यू हैव फॉलोड माई प्रोफाइल

तो जो पुराने वाली प्रॉब्लम थी ना कि मैम इतने सारे डाउट्स है कोई सॉल्व नहीं करता नाउ देर इज़ नो सच प्रॉब्लम यू कैन सिंपली टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट एंड उसको अपलोड कर दोगे टीचर्स विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन एंड इसी के जैसे आज के सेशंस के जैसे अगर किसी को मेरे पूरे के पूरे डिटेल कोर्सेज अटेंड करने हैं सो दे आर गोइंग टू बी देयर ऑन प्लस क्लासेस फ्रॉम मार्च वन सो मेक श्योर जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है यू कैन गो फॉर

बट अगर ये कोड तुम तो मार्च में लगाओगे ये क्या कोई भी कोड अगर मार्च में लगाओगे तो सिर्फ फाइव परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो इवन इफ यू आर इन द फेज ऑफ प्लानिंग कि लेना चाहिए या नहीं थोड़ी सी जल्दी प्लानिंग कर लो ताकि डिस्काउंट अच्छा वाला मिल जाए ठीक है चलो गाइज थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास कल इसी तरीके से एक चैप्टर है पॉलीमर्स वो भी पढ़ाऊंगी उससे भी तुम बहुत ज्यादा डरते हो सो अब डर हो जाएगा खत्म क्योंकि हम करेंगे पॉलीमर्स की स्टडी विद साक्षी मैम इन अ डिफरेंट स्टाइल सो मेक श्योर कल ग्यारह बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना थैंक यू वेरी मच बाय बाय गुड नाइट